नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 5 का पार्ट 3, जो बोले सो खाए दो, ये कहानी पढ़ेंगे। जो बोले सो खाए दो, थोड़ा अजीब लग रहा है ना चैप्टर का नाम, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा कि इसका नाम ये है क्यों। ये जो है ये बहुत हंसी वाली कहानी है, हास्य से भरपूर है, इसलिए आप इसको पढ़िएगा जरूर। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। इसमें क्या होता है कि दो पंडित थे, एक थे चाचा और एक थे उनके भतीजे। एक बार वो दोनों एक गांव में गए, तो जब वो वहां पहुंचे तो वो एक यजमान के घर ठहरे, मतलब एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उन्होंने उनकी बहुत आवभगत की, उनकी खातिर की। उसके बाद उन्होंने उनको आटा दिया और कहा कि ये लीजिए, इसके लड्डू बनाकर खाइएगा। चाचा भतीजा ने चूरमा तैयार किया, उसके बाद उसके लड्डू बनाए। अब जो लड्डू बने वो बने 5। अब दोनों ये सोचने लगे कि इसको बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। तो उन दोनों ने ये तय किया कि हम गूंगे बनकर लेट जाते हैं और हम दोनों में से जो पहले बोलेगा वो 2 खाएगा। मतलब जो बोले सो खाए दो, मतलब जो पहले बोला वो 2 खाएगा और जो चुप रहा वो विनर हुआ वो 3 खाएगा। अब 20 बजे से दोनों ने ये चीजें डिसाइड हुई। उसके बाद दोनों जमीन पर फैल गए, मतलब लेट गए। और दोनों ने ये सोच लिया कि बोलना नहीं है, क्योंकि जो बोलता उसको 2 खाने को मिलते। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यजमान आए, उन्होंने उनको हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो दोनों भाई कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो बोलता उसको 2 मिलते। अब दोनों चुपचाप लेटे रहे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, थोड़ी देर बाद वो फिर आए, वही वही सिचुएशन थी। उन्होंने सोचा कि कौन जाने किसी विषैले जानवर इन्हें काट तो नहीं लिया है, कहीं ये मर तो नहीं गए हैं। अब उन्होंने ये सोचा, उसके बाद अब उनको यही लगा कि ये मर गए, इसीलिए तो बोल नहीं रहे। इतना जगाया जा रहा, हिलाया डुलाया जा रहा, लेकिन कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले इकट्ठा हुए, अब सब आपस में बातें कर रहे हैं, वो दोनों लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। दोनों चुपचाप लेटे हैं, दोनों के मन में ये चल रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें 2 लड्डू मिलेंगे। इसी लालच में दोनों चुपचाप लेटे रहे। भाई गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने अर्थी तैयार की, दोनों को उस पर कस के बांध दिया और दोनों बिल्कुल ऐसे रहे जैसे कोई सच में मुर्दे हों। अब क्या हुआ, दोनों मुर्दों को शमशान ले जाया गया। 5 लोग मिलकर के उनकी अर्थी को शमशान ले गए। वहां पर 2 चिताएं तैयार की गई, एक पर चाचे को लिटाया गया और दूसरे पर भतीजे को लिटाया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो चिता थी उसमें आग लगा दी गई। अब चाचा ने मन में ख्याल आया, चाचा ने सोचा जल के मर जाए वो मंजूर है, लेकिन 2 लड्डू नहीं खाएंगे। भतीजे ने सोचा जल के मरने से अच्छा है कि 2 लड्डू खा लेंगे, कम से कम जान तो बच जाएगी। वो उठा और बोला बोला उठो चाचा, 3 तुम्हारे 2 मेरे। इतना सुनते ही जो चाचा थे वो उठ बैठे, और जो 5 लोग थे, मतलब जो उनको जलाने आए थे, वो पास ही में खड़े थे। जब उन लोगों ने उन दोनों को जिंदा देखा तो वो चिल्ला उठे, भागो रे भागो, भूत आया। उन लोगों को यही लगा कि ये लोग भूत बन गए हैं और ये लोग 5ों, मतलब उन 5ों को खाने की बात कर रहे हैं कि 2 वो खाएगा और 3 वो खाएगा। ये सुनकर के वो लोग तो भाग गए, गांव वाले भाग गए। अब दोनों उठे और उठ करके चल दिए यजमान के घर लड्डू खाने। इस तरह से 3 चाचा के हुए और 2 भतीजे के हुए। अच्छी लगी ना स्टोरी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद इसके नोट्स हमने स्कूल मित्रा ऐप पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से आप अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। बुक एक्सरसाइज को बुक में करिएगा, और जो जीने की राय एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 24 पर, वहां पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़िएगा। उसके बाद उनके आंसर्स को अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखिएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।